नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेफ्टीनेट स्पाइक कैमरे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है हमारी एक बल्ब होल्डर के ऊपर। दिखने में एकदम जैसे कि एक नॉर्मल बल्ब होल्डर होता है, सेम वैसे ही है इसके अंदर, सेम वैसे ही बल्ब लगेगा जैसे कि एक हम नॉर्मल बल्ब होल्डर में लगाते हैं। और साथ में क्या करेंगे, हम करेंगे 24 आवर्स लाइव स्ट्रीमिंग। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं बल्ब होल्डर कैमरे को चलाना और देखते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है, क्या फीचर्स मिलते हैं, सारे आगे चलते हुए वीडियो में बात करते चलेंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना, चलाने के लिए जैसे कि एक नॉर्मल बल्ब होल्डर में हम वायर लगाते हैं, वैसे ही इसके अंदर हमें वायर लगानी है, रेड कलर की वायर, रेड कलर से ब्लैक कलर की वायर, ब्लैक कलर से, और उसके बाद हमें इसको कवर कर देना ताकि शॉर्ट सर्किट और करंट ना लगे हमें। ये करने के बाद हमें अपने फ़ोन के वाईफाई में जाना है। यहाँ पे हमें एक लिंक मिलेगा MV करके, उस लिंक को हमें कनेक्ट करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है V380 का। इस V380 एप्लीकेशन को हम प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही गाइस ये ओपन होती है, यहाँ पे हमें लॉगिन रजिस्टर दो ऑप्शन मिलते हैं, हम लॉगिन और रजिस्टर भी कर सकते हैं, बट अभी हम करेंगे ट्राई विदाउट एन अकाउंट, कंटिन्यू। और इसको जब मैं नीचे की साइड को स्क्रॉल करता हूं तो ये ऐड डिवाइस का ऑप्शन मेरे को मिल जाएगा। गाइस आप इसमें रजिस्टर भी कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में, और ये ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और जब मैंने वीडियो प्ले की, ओहो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड होता है small a 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कंपनी की तरफ से आता है। और अगर ये पासवर्ड ओपन नहीं हो रहा तो गाइस हर डिवाइस में एक बटन होता है पीछे जिसको प्रेस करना 15 सेकंड तक डिवाइस को ऑन करके, और हमारा डिवाइस रीसेट हो जाएगा, फिर पासवर्ड नहीं मांगेगा या फिर सेट करने के लिए बोलेगा कि आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। अभी हम देखते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी आ रही है। गाइस एकदम बेस्ट कैमरा क्वालिटी आपको इसकी मिल रही है, और ये हमारा चल रहा है लोकल एरिया नेटवर्क पे। अगर आपको ये वाइड एरिया नेटवर्क पे चलाना सीखना है कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड बैठ के कहीं से भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सको, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वरना जब ये वाली वीडियो खत्म होगी तो लास्ट में उसका आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि वहां से आप क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हैं। और अब मैंने इसको ऊपर लगा देता हूं यहां पे, ताकि ये मैंने लगा दिया। अब मैं यहां से पूरा एरिया कवर करके आपको दिखाऊंगा कि वाइड एंगल इसका कैसा आ रहा है। गाइस इस टाइम मैंने ये वहाँ पे लगा दिया, और अब देखते हैं कि इसमें क्या कैमरा क्वालिटी आ रही है, कि एक एक चीज़ें अच्छे से लग दिखाई दे रही है, जैसे कि एक मैंने अच्छा सा कैमरा फिट कर रखा है, लाइक DSLR वगैरह, इतनी अच्छी कैमरा क्वालिटी इसकी कि अच्छे अच्छे फ़ोन के कैमरे को टक्कर देगी। और देख रहे हैं कि आप इसकी क्या कैमरा क्वालिटी आ रही है। ओहो ये ऊपर की साइड को रहा। अब मैं ना फ़ोन अपना रोटेट कर देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊं। अब आप देख सकते हैं कि क्या इसकी कैमरा क्वालिटी आ रही है। एक बार मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूं कि जूम करने पे भी पिक्सल बिल्कुल नहीं फट रहे। और आपको इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इसका प्राइस चेक करना हो या फिर इसको करना हो परचेज, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट spyimportal.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए Amazon, Flipkart, IndiaMart तीनों पे आपके लिए अवेलेबल है कि आप वहां से भी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं अपना हिडन कैमरा। और हमारे कस्टमर केयर नंबर मॉर्निंग 9 AM से लेकर इवनिंग 6 PM तक आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, उन वर्किंग डेज की आप कभी भी कॉल करके डायरेक्ट अपना स्पाई कैमरा ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है स्पाई कैमरा से रिलेटेड, आप वो भी ले सकते हैं। और हाँ, स्पाई कैमरा आपका चल नहीं रहा है, फिर कुछ भी दिक्कत आ रही है, तब भी आप कॉल कर सकते हैं।